हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मैं आज अपनी रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरी आज की रेसिपी फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई है, तो बहुत दिन हो गए मैंने कोई रेसिपी नहीं डाली थी, तो आज मैंने सोचा कि फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई एक रेसिपी डाल दूँ। तो आइए देखिए ये मेरी रेसिपी आज की कैसी है। देखिए यहाँ पर मेरी कुछ मिठाई बच गई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, तो मिठाई हर घर में आती रहती है, तो एक दो दिन हम खाते हैं, फिर उसके बाद हमें दोबारा खाने का मन नहीं करता। तो ये मिठाई मेरी थोड़ी बहुत बच गई थी, तो इसको अब मैं बिल्कुल नई लुक देने वाली हूँ। इसके साथ हम चॉकलेट फ्लेवर लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चॉकलेट और बर्फी से मिलाकर एक नई टाइप की मिठाई हम तैयार करेंगे। आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैं ये सारी बर्फी डाल देती हूँ। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको एक मिनट तक की, आधा मिनट ही है क्या, आधा मिनट तक की ग्राइंड किया है। एक दो बार ही चलाई है मिक्सी, और ये देखो कितना फाइन ये तैयार हो चुका है, इसका पाउडर बन गया ये बिल्कुल, ये मावा ही है एक तरह का। अब आगे देखिए मैं क्या करती हूँ इसका। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें आधा कप मैंने दूध का लिया, इसको बॉइल कर लेते हैं। देखिए दूध बॉइल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने बर्फी को अपने ग्राइंड किया था वो डाल देते हैं। अच्छी तरह से हिला लेते हैं इसको हम। अब इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। ये हमारा मिक्सर पैन छोड़ने लगे, अब इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी तरह से मेरे पास कुछ चॉकलेट भी बची हुई है, इसको मैंने पीसीज में कर लिया है। अब इसको मैं डबल बॉइलिंग से मेल्ट कर लेती हूँ। ये देखिए डबल बॉइलिंग से मैं चॉकलेट को मेल्ट करवा रही हूँ। आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ये चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, इसको हमने ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है। मेल्ट तो करना है बट डाइल्यूट नहीं करना है, क्योंकि फिर हमें फिर उसको जब हम उसके ऊपर डालेंगे मावा के ऊपर, तो ये फिर हमें ठंडी करनी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, बस जस्ट पीसीज ही मेल्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है। ये देखिए मैंने यहाँ बटर पेपर पर इसको फैला दिया है, और इसके पीछे से थोड़ा घी लगाकर इसको थोड़ा इस तरह से दबा देते हैं, प्लेन कर लेते हैं बिल्कुल, और इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा। देखिए 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब एक और ये बटर पेपर लेकर उसके ऊपर मैंने थोड़ा घी लगा दिया, इसके ऊपर रख देती हूँ मैं इसको, और इसको हाथ से थोड़ा इसको इसकी थिकनेस थोड़ी कम करते हैं, हाथ से कर लें या फिर बेलन से भी, हल्के हाथों से हम इसको बेल लेते, थोड़ा प्लेन प्लेन हो जाएगा, हाथ से पूरा सिमेट्रिकली होता नहीं है, तो हम हल्का सा बेलन से इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा इधर दूसरी वाली साइड से भी बेल लेते हैं हम। देखिए ये हमने पूरी तरह से बेल लिया है, तो इसकी थिकनेस जितनी आपने करनी हो उसके हिसाब से आप इसको बेल सकते हो। अब इस बटर पेपर को हम उठा देते हैं,
ये हमने पूरी तरह से इसको बेल लिया, जितनी हमने इसकी थिकनेस रखनी उसी हिसाब से हम इसको बेल कर फ्लैट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी है वो लगा देते हैं। तो ये सारी चॉकलेट मैंने ऊपर बिछा दी है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट ही ठंडा करना है, ज़्यादा देर इसको ठंडा नहीं करना है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको रोल कर लेते हैं। तो इसको हम साइड से इस तरह से ऐसे धीरे धीरे रोल करेंगे। आप इस पेपर की जगह, बटर पेपर की जगह फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का इसको उतार देंगे। इसी तरह से फिर करेंगे। और इसको उतारते जाएंगे साथ साथ में। ये काम बहुत आराम आराम से करने, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह से हम इसको रोल करके पूरी तरह से इसको आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब ये हम अपना ये रोल भी खोल लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे चॉकलेट रोल तैयार कर लिए। हमने घर में ही पड़ी मिठाई से और चॉकलेट से ये चॉकलेट रोल तैयार किए, बच्चों के फेवरेट चॉकलेट रोल। और अगर आपके भी घर में अगर ऐसी कोई मिठाई बच जाती है तो आप इसे नई लुक देकर बच्चों की फेवरेट मिठाई बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा, तो बने रहिए फिर टेस्टी ट्विस्ट के साथ। धन्यवाद।